हाँ आज वही वही लग रहा है क्वेश्चन ही पूछेगा। और अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी हो तो ऐसे चिल्लाते हैं, तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? क्या कंगना ने रणबीर और आलिया की शादी को बताया फेक? क्या कंगना ने कहा वुमनाइजर रणबीर उन्हें करना चाहते थे डेट? क्या आपको भी लगता है कंगना का ब्लाइंड आइटम है फॉर रणबीर एंड आलिया? कंगना रनौत इज बैक विद अ बैंग। कंगना ने सोशल मीडिया पर संडे को फंडे बना दिया फॉर हर फैंस। मूवी माफिया से लेकर करण जौहर, रणबीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट को स्लैम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे मूवी माफिया के बारे में कंगना कई बार बात कर चुकी हैं, लेकिन कंगना ने रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना रणबीर और आलिया का नाम लिए उनकी शादी पर सवाल खड़ा कर दिया है। यही नहीं, कंगना ने क्लेम किया है कि रणबीर कपूर एक वुमनाइजर हैं जो उन्हें भी डेट करना चाहते थे। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा, Another superstar who's known to be a womanizer landed at my house and begged me to date him but kept meeting secretly to pursue me. When I questioned this shady behavior, he said he was getting a trilogy to date a papa ki pari who he didn't love. I was not okay with that and I said no to such a situation. He too started to communicate from various numbers and accounts till I blocked all. And then I felt he hacked all my devices. He even said his marriage was fake and baby is a trick to promote the movie. I was beyond appalled. I still can't believe if anyone can be so morally corrupt. They aren't humans, they are demons. That's why I am determined to destroy them. Dharma's main purpose is to destroy adharma. That's what Sri Krishna said in Gita. कंगना का ये पोस्ट काफी एक्सप्लोसिव है और एक मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि कंगना यहाँ रणबीर और आलिया की तरफ इशारा कर रही हैं। वैसे कंगना ने सोशल मीडिया पर ये बवाल मचाना तब शुरू किया जब कंगना को पता चला कि उनके नाम पर कोई लोगों को स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। कंगना ने लिखा, This morning it is brought to my attention that Film Mafia is operating a racket which is hacking accounts in my name. कंगना इसके बाद रुकी नहीं, उन्होंने ऋतिक रोशन को फिर से अटैक करते हुए लिखा, फिल्म माफिया हैज ऑलवेज इंडल्ज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, दिस सुपरस्टार हु आई डेटेड लेटर क्लेम दैट आई वाज डेटिंग हिज इंपोस्टर, ही यूज्ड टू यूज डिफरेंट नंबर्स इन अकाउंट्स टू चैट विद मी, ही आल्सो हैक्ड माय अकाउंट एंड ऑपरेटेड इन अ शेडी वे, आई थॉट ही वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स बट लेटर आई फाउंड आउट दैट हैड नथिंग टू डू विद द शेडी बिहेवियर। यही नहीं, कंगना ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल से इस मामले में मदद मांगते हुए लिखा, दे बाय फेक बग टिकट्स एंड मैनिपुलेट कलेक्शंस आल्सो इन्फ्लेट्स टू अनरीजनेबल प्रोपोर्शंस, दे आल्सो स्पाई एंड बाय व्हाट्सएप डेटा, आई ऑलवेज सी इन्फॉर्मेशन अबाउट माय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पर्सनल लाइफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दीज आर नॉट जस्ट टैलेंटलेस स्टूपिड पीपल, दे हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज, वेरी स्कैरी, साइबर क्राइम हेल्प डॉट मुंबई, प्लीज टेक एक्शन। वैसे कंगना के निशाने पर करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी है और उन्होंने इस फिल्म को अपनी फिल्म मणिकर्णिका के कलेक्शन से कंपेयर करते हुए कहा कि चंगू मंगू की फिल्म उनकी फिल्म मणिकर्णिका के 18 करोड़ के कलेक्शन को तय नहीं कर पाए, दैट टू ऑन हॉलीडे। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने करण जौहर की एक वीडियो को शेयर करते हुए ये इशारा किया कि करण फ्लॉप फिल्म को भी हिट बनाने की हिम्मत रखते हैं। वाह करण जौहर जी, बोल रहे हैं कि मैं पैसे फेंक के कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी परसेप्शन बिल्ड कर सकता हूँ, फ्लॉप को हिट, हिट को फ्लॉप, दिन को रात, रात को दिन साबित कर सकता हूँ सिर्फ पैसे फेंक के। क्या आपको लगता है कि जो सही बोल रहे हैं? लगता है कंगना रनौत को फिर से कोई बात पिंच कर गई है और उन्होंने डबल फोर्स के साथ बॉलीवुड के कुछ स्टार्स को स्लैप करना शुरू कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कंगना का ये सोशल मीडिया रैंट है सही? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। क्या इब्राहिम अली खान की टी शर्ट हो गई है गीली या जानबूझकर वो बिना टी शर्ट घूम रहे थे? क्या इब्राहिम ने अपने एब्स फ्लॉन्ट करने के लिए फील्ड में उतार दी अपनी टी शर्ट? क्या आपको भी लगा इब्राहिम यहाँ शो ऑफ करने की कर रहे हैं कोशिश? इब्राहिम अली खान ने रिसेंटली मुंबई के एक फुटबॉल फील्ड पर बढ़ा दी गर्मी। इब्राहिम अली खान को स्पॉट किया गया बिना टी शर्ट के ऑन द फील्ड
और वो यहाँ कंफर्टेबली अपने एब्स को कर रहे थे फ्लॉन्ट। वैसे इब्राहिम को देखकर लगा कि बारिश में भीगने की वजह से उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी, लेकिन जब वो फील्ड से निकलने लगे तो उन्होंने फिर से उसी टी शर्ट को पहन लिया। इसका मतलब क्या सिर्फ पैप्स के लिए उतरी थी इब्राहिम की ये टी शर्ट? वैसे नेटिजन्स को इब्राहिम की टोन्ड एब्स वाली बॉडी काफी पसंद आई है और नेटिजन्स का कहना है कि वो अपने डैड की डुप्लीकेट कॉपी हैं। एक यूजर ने लिखा, 90s का सैफ अली खान। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान की सेम टू सेम कार्बन कॉपी। ऐसे ही कमेंट्स की सोशल मीडिया पर भरमार है। वैसे इब्राहिम अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही काफी पॉपुलर हो गए हैं, खास करके पैप्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में इब्राहिम का ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पैप्स के लिए कमेंट्री करते नजर आ रहे थे। इब्राहिम को अच्छे से समझ आ गया है कि मीडिया लाइमलाइट में कैसे बना रहना है। भाई यहाँ पे हूँ। क्या आपको लगता है जूनियर नवाब अपने डैड की तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे इन द फिल्म इंडस्ट्री? आप प्यारे दोस्त हैं, आपसे जुड़ा हूँ पिछले 55-60 साल से, आपकी पहली पीढ़ी मेरे साथ थी। क्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र शबाना का किस था फोर्स्ड? फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना का किसिंग सीन लोगों को नहीं आया पसंद। धर्मेंद्र शबाना के किसिंग पर बवाल क्यों, जबकि ये स्क्रिप्ट में ही था? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फाइनली थिएटर्स तक पहुंच चुकी है। 28 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिक्स्ड रिव्यू मिला है। फिल्म में आलिया के झुमका के साथ रणवीर के फ्लैम्बॉयंट पंजाबी बॉय का जादू खूब चला, लेकिन इसी के साथ जिस एक और चीज ने लोगों की अटेंशन ग्रैब की वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र और शबाना का किसिंग सीन। दरअसल वेटरन एक्टर धर्मेंद्र और शबाना के बीच लिप लॉक की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में जब फिल्म में लोगों के सामने ये सीन आया तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। फिल्म के इस सीन पर कुछ लोगों ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करते हुए इसे अननीडेड और फोर्स्ड बताया। यही नहीं, धर्मेंद्र और शबाना के किस की चर्चा अब हर तरफ होने लगी। फिल्म को इसकी घिसी पिटी स्टोरी लाइन और अननेसेसरी चंक्स के लिए खूब क्रिटिसिज्म मिला। हालांकि क्या वाकई फिल्म के इस सीन की वजह से फिल्म को स्लैम किया जाना चाहिए? क्योंकि करण जौहर वांटेड इट डिग्निफाइड। फिल्म की डायलॉग राइटर और कोक स्क्रीन प्ले राइटर इशिता मोइत्रा फिल्म के इस मोर डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज सीन के बारे में बात करती हैं और कहती हैं, क्योंकि लोगों ने धर्मेंद्र और शबाना के बीच इस तरह के सीन की उम्मीद नहीं की थी इसलिए उनका ऐसा रिएक्शन आया है, जबकि ये सीन हमेशा से ही स्क्रिप्ट में था। शी रिवील्ड दैट करण जौहर मेड श्योर दैट द किस वुड बी डन इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। इशिता ने कंफर्म किया कि धर्मेंद्र और शबाना आजमी को भी अपने किस सीन से कुछ इशू नहीं था। वहीं धर्मेंद्र का खुद भी इस किस सीन को लेकर रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि फिल्म में ये नीडेड सीन था और उन्हें और शबाना को ये किस करने में कोई भी वियर्डनेस महसूस नहीं हुई। बता दें, फिल्म में ये सीन तब आता है जब कई सालों बाद धर्मेंद्र शबाना आजमी को मिलते हैं और उनके लिए अभी ना जाओ छोड़कर गाना गाते हैं और फिर दोनों के बीच किस होता है। अब धर्मेंद्र और शबाना के किस पर क्या सोचते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। लेकिन एक बात तो तय है कि फिल्म की पूरी लाइमलाइट अब धर्मेंद्र और शबाना के इस सीन को मिल रही है।